साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथ आज बात करेंगे अपन सऊदी अरबिया से रिलेटेड, सऊदी के कोरोना अपडेट के क्या हालचाल है, वहां की क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वहाँ के लोग विदेशों के जो लोग रहते हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, टिकट्स फ्लाइट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं सऊदीया से रिलेटेड। तो भाई देखिए, सऊदी में कोरोना का महामारी ये मान लीजिए बढ़ती जा रही है रात और दिन। 11,500 प्लस अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी इंडिया में 18,000 हैं यार, सोचने की बात है। और सऊदी की जनसंख्या बहुत कम होने के बावजूद वहाँ पे 11,500 प्लस, यानी कल तक आंकड़ा बहुत 15,000 के करीब पहुँच सकता है, ये स्थिति मान के चल रहे हैं। और उसमें से डेथ की बात करें तो 109 डेथ अभी तक कोरोना से हो चुकी हैं, लगभग इसमें से 1,650 के करीब, यानी 1,600 के करीब बंदे रिकवर हो चुके हैं। कोरोना अपडेट से रिलेटेड ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब भाई देखिए, कोरोना है तो आपको पता है सऊदी में, तो ये मान लीजिए गल्फ में सबसे ज़्यादा सऊदी में ये ट्रेंड कर रहा है ये कोरोना, तो गवर्नमेंट ने भी सख्ताई से वहाँ पे सख्ती कर रखी है। और वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आंकड़े निकल के ये आ रहे हैं, जैसे 100 लोग पॉजिटिव हैं उसमें 80% लोग बाहर वाले हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तान, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कोई भी कंट्री के एक्सवाइजेड, अगर 100 आदमी बीमार हैं, इस बीमारी में हैं, पीड़ित हैं, तो उसमें 80% लोग बाहर वाले हैं, कामगार हैं, कारीगर हैं, गैर मुल्की लोग हैं, 20% वहाँ की सऊदी की जनसंख्या है। तो भाई अब आप समझ लीजिए कि उनके माइंड में क्या नेगेटिविटी होगी, उनके माइंड में 100% अभी ये ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर भी मैं देख रहा था, वहाँ के लोगों की थिंकिंग ये है कि हमारे कोरोना इन लोगों की वजह से हो रहा है और हमारे देश में इन लोगों की वजह से बढ़ रहा है, तो इनको बाहर निकाला जाए। अब देखिए जी, कितने पॉपुलेशन है, इंडिया के हैं 20 लाख के करीब, पाकिस्तान के या फिर और भी कंट्रियों के बहुत सारे लोग हैं, कैसे होगा भाई। अब इसमें देखिए, उनकी थिंकिंग मेरे हिसाब से कुछ हद तक इसलिए सही मैं मान सकता हूँ कि होता क्या है, देखिए कि ये जो मजदूरी करने वाले वर्कर लोग हैं, एक एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का पालन नहीं करते, इतना उनको नॉलेज नहीं होता, एजुकेशन की कमी होती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, या फिर वो लंबे समय तक काम करने की वजह से एक दूसरे के संपर्क में आ गए, इस वजह से ये कोरोना आपको पता है फिर बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें तो नो डाउट एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ता है। तो उन लोगों की थिंकिंग ये हो गई कि यार इनकी वजह से अपने देश में ये सिस्टम बढ़ रहा है, तो वो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि इनको आउट करो, अपनी बाहर निकालो तो सही होगा। तो बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है सऊदी में, क्योंकि कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा चल रही है। थैंक्स देना चाहूँगा मैं वहाँ के एक राजा राजशाही परिवार से हैं, अब्दुल रहमान जो वहाँ के सेंसा हैं, वो अपने लोगों के पक्ष में वहाँ पे खड़े हुए हैं ट्विटर के माध्यम से, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि राजशाही के वो एक मतलब राजा का राजकुमार मान सकते हैं, तो कोई छोटी चीज़ नहीं होती भाई, ठीक है, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, मैंने देखा था बहुत सारे मिलियंस में उनके फॉलोवर हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई देखिए, आप सऊदी जो लोग हो इनके बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि ये गरीब तबके के मान लीजिए या वर्कर आदमी हैं, ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटी जगह, इनको सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं, एक एक कमरे में 20-20 आदमी पड़े होते हैं, ये डिस्टेंस इसकी नहीं रख पाना इनकी मजबूरी हो रही है। आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हो, खुले मकान में रहते हो, बड़ा मकान है 100x100 या कितना भी, उसमें आप 2-4 लोग रहते हो, तो आपको बीमारी कहाँ से होगी, इनकी मजबूरी है, इनकी गलती नहीं है, आप लोग ऐसा, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वहां के सऊदी के लोगों को समझाया और उनको समझ में भी आया, उन्होंने रीट्वीट भी उनके नीचे किए, मैं देख रहा था, हालांकि उर्दू में आते हैं, ट्रांसलेशन करना पड़ता है उनका, लेकिन सच्चाई ये है कि साथियों, एक सऊदी में जो लोग बैठे हैं उनके प्रति नेगेटिविटी वहां के लोगों के आ रही है, वहां का राजा जो बहुत अच्छा, मैं मानता हूं उनको, कि उन्होंने उनको समझाया कि ये वर्कर है, इनकी गलती नहीं है, डिस्टेंस नहीं होने की वजह से, इनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाहर के गैर मुल्की वर्करों के साथ खड़े होकर ये बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात लगी।
सेकंड बात बात करेंगे साथियों टिकट से रिलेटेड, तो भाई टिकट के कमेंट्स आते रहते हैं, तो देखिए 3 अप्रैल तक तो 3 मई तक तो आप भूल ही जाओ, 3 मई तक तो कुछ होने वाला नहीं है। प्ले फ्लाइटें भागती हैं, टिकट बुक करती हैं, फिर गवर्नमेंट आदेश देती हैं, कैंसिल कर देते हैं, इतने वीडियो पड़े हैं, जितने मर्जी दिन में देखोगे ना टिकट वाले वीडियो दिखेंगे आपको, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है, टिकट का कोई ऑप्शन है नहीं 3 मई को इंडिया की, तो 3 मई के बाद पता लगेगा। बाकी भाई और कंट्रियों का भी अभी तक कोई पाकिस्तान नेपाल या फिर बांग्लादेश कोई अपडेट नहीं है टिकट से रिलेटेड। साथियों चौथा मेरा मेन मैसेज ये देना था भाई, विदेश रहते हो गैर मुल्की देशों में मोमडन कंट्रियों में हिंदू मुस्लिम ना करें, सब धर्म अच्छे हैं, कोई किसी का धर्म बुरा नहीं है, एक इंसान गलत होता है उसके मतलब ये नहीं कि आप उसमें पीछे लिख दो मुस्लिम धर्म, वो गलत बातें हैं यार। आप विदेश की धरती पे मुस्लिम कंट्री में रहते हो तो मैं उम्मीद आपसे करूँगा कि आप समझदार बनो, पड़ोसी जो आपका है साथ में जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको भी समझाओ यार, ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विदेश में रह के मुस्लिम कंट्री में रह के ऐसी बातें शोभा नहीं देती, शोभा तो इंडिया में भी नहीं देती लेकिन वहाँ तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो बात को। बस इतनी बात थी आज के साथियों की, आगे मेरे पास जैसे ही सऊदी से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।